हर्षोल्लास से मनाया गया पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह, जिसकी अध्यक्षता उमा शंकर सिंह, उद्घाटन राणा गंगेश्वर सिंह, सचिव उमा शंकर सिंह, संचालन अरुण कुमार सिंह, साहित्यकार हरिनारायण सिंह, हरि धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राम बहादुर सिंह, राजकपूर सिंह, जितेंद्र चौहान, मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर राजकपूर सिंह, प्रोफेसर रविन्द्रनाथ सिंह, मुन्ना सिंह, विजय सिंह, अरुण कुमार सिंह, भोला सिंह, शंभुनाथ सिंह, शिक्षक संजय कुमार सिंह, उमेर अहमद, विजय सिंह, राम नरेश सिंह, अश्विनी कुमार सिंह, बबल सिंह, सुबोध कुमार सिंह, गुलाब सिंह, भोला सिंह, संजय कुमार सिंह, राम नरेश सिंह के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह मनाया। बिहार की आवाज न्यूज के लिए समस्तीपुर जिला से संवाददाता राम रूप राय की रिपोर्ट। प्रजातंत्र की परिकल्पना नहीं थी उस समय में पृथ्वीराज ने, समाज का जो सबसे दबे कुचले शोषित वर्ग जो सिद्धू ट्राइब होता है, जिसको हम जनजाति कहते हैं, उन जनजातियों के द्वारा जो सेना संगठित की और उन संगठित सेना के द्वारा उन्होंने 16 बार मोहम्मद गोरी को प्राप्त किया, किंतु अंत में उनके अपने ही के द्वारा, अपने ही क्षत्रिय वंश के द्वारा उनके कूटनीति के किया और वे फलता बंदी बना दिए गए मोहम्मद गोरी के द्वारा। और बंदी होने के बाद भी अपने मित्र का नाम चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई के सहयोग से इस पृथ्वी पर राजा दशरथ के बाद शब्द भेदी बाण को यदि चलाना जानते थे तो पृथ्वीराज चौहान, और अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा उन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या की और उसके बाद वह मुगलों से अपने शरीर को नहीं सौंपने के, जिंदा नहीं जाने के का जो स्वाभिमान था, उन्होंने एक दूसरे को खंजर भोंक के और अपनी वसाहत देश के लिए दे दिया। तो राजेश कुमार सिंह, और पिछले कई वर्षों से जब भी जयंती मनाई जाती है मैं उपस्थित होता हूँ, और बस आज भी उपस्थित हुआ मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ उपस्थित हुआ, और इतने हमारे जो अभिभावक हैं उनके शागिर्द में रह के और एक महामना की जयंती हमने मनाई। और बस अंतिम शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो जो संस्था है, जो जयंती मनाई जाती है, इस संस्था का और ज़्यादा विकास किया जाना है, जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है, और अप्रैल में इसका होगा। और हमारी जो एकता है, मैं आज जयंती में यही सीखा कि हम सभी को एक रहना है, नेक रहना है। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। आए पृथ्वीराज चौहान का, इसमें उनके आदर्शों के बारे में क्या क्या बताया गया? 12वीं शताब्दी के राष्ट्र नायक थे पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज जी जिस समय अजमेर से लेकर दिल्ली तक उनका राज्य था, उस समय अफगानी लुटेरों का एक जत्था भारत में आने का प्रयास कर रहा था, उसमें मोहम्मद गोरी सर्वोपरि था। मोहम्मद गोरी को इन्होंने कई बार हराया, बावजूद भी साजिश के तहत इनको गिरफ्तार करके ले गया, और ले जाने के बाद इन्होंने जो अपनी कला का प्रदर्शन किया तीरंदाजी से, वो दुनिया में कोई नहीं कर सका। वो फिर राम कथा में दशरथ ने किया या अन्य लोगों ने किया, दूसरा कोई नहीं किया, इसलिए अपूर्व राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। भारत खंडित भारत को एक भारत बनाने के लिए वो कटिबद्ध थे, लेकिन लोगों ने नहीं होने दिया, साजिश किया। आपका नाम? सुरेश्वर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष क्षत्रिय चेतना मंच। जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह। वही हाल है, उपेक्षा की गई, समय आया है कि हमारे जितने भी वीर पुरुष थे, चाहे वह जिस भी वर्ग से आते हो, जिस भी वर्ण से आते हो, जिस भी क्लास से आते हो, सबको इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए,
और यह भारत सभी वर्णों सभी वर्गों के सहयोग से चलेगा। ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ क्षत्रिय थे, सिर्फ वो तो सबके राजा थे और सब प्रजा उनको पुत्रवत थी। इस तरह के पृथ्वीराज चौहान थे। हम लोग पृथ्वीराज चौहान का जयंती आप लोग मनाए, उनके आदर्शों के बारे में क्या क्या बताया गया यहाँ पे? एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में बहादुर क्षत्रिय राजाओं का लड़ाकू इतिहास हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास ही विलीन हो जाएगा। अगर आज़ादी की लड़ाई लड़े पृथ्वीराज चौहान, यदि मुगल कोई कहता है कि हम मुगल हैं तो मुगल शासन करना चाहते थे, हम शासित थे, हमने उसी देश को मुक्त कराया। अच्छे पूछ लीजिए, यही प्रताप महाराणा प्रताप ने किया और यही गांधी जी की अगुवाई में पूरा देश किया। ये आज़ादी के लड़ाई के योद्धा हैं, इसलिए वीर पुरुष हैं, इनका नमन करते हैं और इनके बताए रास्ते पर आगे भी चलते रहे। आपका नाम? राणा गंगेश्वर, पूर्व MLC। मेरा नाम धीरेंद्र कुमार सिंह। आज जो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जयंती मनाया गया, उनके आदर्शों को क्या क्या बताया गया था? मैं उनके वीरता शौर्य को सलाम करते हुए ये आह्वान किया हूँ युवाओं से कि आप उनके बताए रास्ते पर चलिए और देश सेवा में आप लगिए और समाज सेवा में लगिए। वो एकता के सूत्र में, भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास उन्होंने किया था। जयंती समारोह है, पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह है, जो क्षत्रिय चेतना मंच मोहिद्दीन नगर के माध्यम से विगत 16 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जाता रहा है, अभूतपूर्व कार्यक्रम होता रहा है। लेकिन COVID-19 के वजह से सरकारी रोक के बाद ये कार्यक्रम में बदलाव आया और ये समिति के माध्यम से निर्णय लिया गया कि एकदम सादे समारोह के रूप में इसको मनाया जाए। और मैंने इलाके के लोगों को आमंत्रित भी नहीं किया गया था, कुछ खास लोग हर गांव से एक दो आदमी को बुलाया गया था कि कोरोना काल है, इस परिस्थिति में इसको जो है सो साधारण शॉर्ट किया जाए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी बंदिशें वो समाप्त कर दी हैं, लेकिन आज तो कार्यक्रम होना था और निमंत्रण कार्ड भी हम लोग नहीं छपा सके थे, समिति संघ के लोग नहीं छपा सक पाए थे, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सैकड़ों लोग उपस्थित हुए इसमें। आज पृथ्वीराज चौहान का जयंती मनाया गया, इनमें किन किन आदर्शों को यहाँ पे बताया गया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में? पृथ्वीराज चौहान सबके थे, हैं, ऐसी मान्यता है और सबको लेके भी चलते थे। ऐसी बात नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल से आते थे, क्षत्रियों को लेके चलते थे, ऐसी बात नहीं थी, सब लोगों को लेके वो चलते थे। और यही वजह है कि उनको सफलता भी मिली, भले ही जो भी घटनाएं घटी वो अप्रत्याशित घटना थी, उसको इग्नोर करके हम लोगों को चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है किया है उसकी मान्यता हम लोगों को देनी चाहिए। आपका नाम? परिचय? मेरा नाम वाशिंगस। परिचय पूछ लीजिए।